वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्ग्राफर। सो गाइस, कल जो है ऑफिशियली iOS 18.1 का जो स्टेबल अपडेट है वो रिलीज हो जाएगा। तो अगर आपके पास iPhone 11, iPhone 12 या उसके ऊपर कोई भी iPhone है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, देन आपको चूज करना है सॉफ्टवेयर अपडेट एंड यहाँ पर जो है आपको iOS 18.1 का स्टेबल एंड ऑफिशियल जो अपडेट है वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो है आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि करेंटली आपको iOS 18.1 का जो RC अपडेट है यानी जो रिलीज कैंडिडेट अपडेट है वो चल रहा है एंड इसमें दो तीन इश्यूज जो है वो उभर के आए हैं, खास तौर पे अगर आपके पास आईफोन 15 या फिर आईफोन 14 इन डिवाइस के लिए। मैंने यहाँ पर जो RC का अपडेट है उसको अभी भी इंस्टॉल नहीं किया हूँ अपने आईफोन 15 में, लेकिन आईफोन 16 प्लस है मेरे पास, उसमें मैं ज़रूर इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आईफोन 15 एंड उसके नीचे जो है, जैसे मैंने कहा, दो इशूज आए हैं। पहला इशू है आपका हीटिंग का प्रॉब्लम। हीटिंग का जो प्रॉब्लम है RC इंस्टॉल करने के बाद बहुत लोगों को देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ दी मोस्ट डेंजरस दैट इज बैटरी हेल्थ ड्रेन इशू, या फिर जो बैटरी हेल्थ जो यहाँ पर गिर जाना कोई भी लेटेस्ट अपडेट के बाद, वो भी बहुत तेजी से हो रहा है, खासतौर पर आईफोन 15 एंड 14 के लिए। एंड इसलिए मैं कहूँगा सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, अभी RC का अपडेट चल रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी जो है RC या फिर रिलीज कैंडिडेट को इंस्टॉल जस्ट मत करो, जस्ट कीप इट। आप यहाँ पर कल जो है आपका जो बीटा जो अपडेट है, सबसे पहले अगर आप एनरोल किए हो बीटा प्रोग्राम में तो सबसे पहले बीटा प्रोग्राम को आपको यहाँ पर ऑफ कर लेना है, उसके बाद सिंपली आपके यहाँ पर स्टेबल मिल जाएगा, तो स्टेबल अपडेट को ज़रूर यहाँ पर इंस्टॉल करना। लेकिन इसमें भी दो तीन चीज़ मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहला, अगर आपके पास तो आईफोन ऐसा है जो कि दो तीन साल पुराना है, फॉर एग्जांपल आईफोन 11, आईफोन 12, इवन आईफोन 13, इनमें से कोई भी अगर आपके पास आईफोन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अभी iOS 18.1 को इंस्टॉल मत करो। हो सकता है कि रिलीज अपडेट स्टेबल अपडेट है, ऑफिशियल रिलीज है, लेकिन देन ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो है यहाँ पर इंस्टॉल मत करो। आप देखो दो तीन दिन बाद बाकी के रिव्यूअर्स या बाकी के यूट्यूबर्स कैसा रिव्यू दे रहे, उसके बाद ही जाके आप iOS 18.1 को जो स्टेबल अपडेट है उसको इंस्टॉल करो। क्योंकि बहुत बार देखा गया इसके पहले भी जब iOS 18 आया था उसके बाद खासतौर पे आईफोन 14 एंड इवन आईफोन 15 में भी बैटरी हेल्थ मतलब तेजी से गिर जाना बहुत ज्यादा देखने को मिला था। इसलिए मैं कहता हूँ बाई चांस अगर खुदा ना खासा अगर आपका भी बैटरी हेल्थ 2-3% गिर जाता है जस्ट आफ्टर इंस्टॉलिंग दी लेटेस्ट iOS 18.1 ऑफिशियल अपडेट, तो ये जो है खराब लगता है क्योंकि बैटरी हेल्थ गिरना हम में से कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए मैं कहूँगा अगर आपको थोड़ा सा ओल्डर आईफोन है, जैसे मैंने कहा आईफोन 11, आईफोन 12, इवन आईफोन 13, तो आप यहाँ पर दो तीन दिन रुक के आप यहाँ पर जो ऑफिशियल बेटा iOS 18.1 का उसको आप जरूर इंस्टॉल करना। और साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कौन से फीचर्स जो है iOS 18.1 में आएगा। तो लुक गाइस, मैंने एक डेडिकेटेड जो वीडियो है 5-7 मिनट का वो बनाया है, जितने भी फीचर्स आ रहे हैं iOS 18.1 में ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है एंड उसको लेकर एज ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप जाके उस जो वीडियो को चेकआउट जरूर करना, उस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं रफली अगर आपको बताऊं तो iOS 18.1 में एज सच जो फीचर्स जो है हम में से, यानी जिनके पास आईफोन 13, 14, 15 इस टाइप के डिवाइस है, हम लोगों से एज सच कोई मेजर फीचर्स नहीं दिया गया है। बहुत लिमिटेड फीचर है, जैसे कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, देन आपको कंट्रोल सेंटर में 2-3 जो अपग्रेड है कस्टमाइजेशन को लेकर वो मिल जाते हैं, तो इस टाइप का फीचर दिया गया। लेकिन एज सच मेजर फीचर्स जो है सिर्फ और सिर्फ आईफोन 16 लाइनअप के लिए और यहाँ पर आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स के लिए, हम जो नॉन आईफोन 15 या फिर नॉन प्रो आईफोन है उनमें बहुत ही कम लिमिटेड फीचर्स है। बट अगेन उसको लेके जितने फीचर्स आए हुए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो प्लीज जाकर चेकआउट करो। इस वीडियो में इतना बताना था कि कल जो है ऑफिशियल iOS 18.1 का स्टेबल अपडेट रिलीज हो जाएगा, लेकिन आप जो है इंस्टॉल मत करो तुरंत, जस्ट 2-3 दिन वेट करो, क्योंकि एज आई सेड बैटरी हेल्थ ड्रेन एक ऐसा इशू है जो अगर एक बार जिसके भी आईफोन में होता है उसको पता चलता है। क्योंकि इसके पहले मैं जो है पिछले साल आईफोन 15 प्लस यूज कर रहा था एंड जैसे मैं iOS 18.0 में अपग्रेड किया मेरा बैटरी जो हेल्थ है वो 2% से गिर गया एंड बिलीव मी गाइस पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि बैटरी हेल्थ ड्रेन जो है वो इशू आए किसी की आईफोन में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही अपडेट आए आप तुरंत इंस्टॉल मत करो, 2-3 दिन बाद रुक के आप ऐप इंस्टॉल जरूर करना। बट अगेन कल जब भी आएगा ये अपडेट मैं इसको लेकर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एट द सेम टाइम इस वीडियो को पसंद आए तो आप यहां पर लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे आपके लिए क्वालिटी वीडियो लाके लेके आता रहता हूं। एट द सेम टाइम कोई भी चीज पूछना है, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज डू कमेंट मी डाउन बिलो, मैं आपको ऑब्वियसली फॉर श्योर रिप्लाई जरूर करूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, आई होप यू लाइक इट। जल्दी मिलते हैं और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।